आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपका जो वीडियो है, अपने वीडियो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, कंप्रेस कैसे करेंगे, अपने वीडियो कैसे एडिट करेंगे, कैसे इसको कटिंग करेंगे, और अपना जो आपका वो ऑडियो है, ऑडियो को भी किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, कंप्रेस करेंगे, और उसका किस तरीके से कटिंग करेंगे। इसी तरीके से अगर आपका इमेज है तो इमेज का साइज किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, कंप्रेस करेंगे, और इसका साइज आप कैसे बदलेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आप ऑडियो, वीडियो और इमेज को घर बैठे अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल फ़ोन से किस तरीके से उसको कन्वर्ट कंप्रेस करेंगे, उसको किस तरीके से कटेट करके काट के उसको किस तरीके से कम करेंगे, और आपके वीडियो, ऑडियो या इमेजेस का क्वालिटी भी लॉस नहीं होगा। तो आपके ऑडियो, वीडियो और इमेजेस का क्वालिटी बिना लॉस किए आप जो इसको कन्वर्ट कंप्रेस करना चाहते हैं, कटेट करके हटाना चाहते हैं और उसको सेव करके रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप ऑडियो, वीडियो और इमेज के साइज को कन्वर्ट एंड कंप्रेस करेंगे, और आपके जो है वीडियो, ऑडियो और इमेज का क्वालिटी भी लॉस नहीं होगा। मैं इसका 101% गारंटी लेता हूं, और मैं आपको इस वीडियो में दिखाया भी हूं कि किस तरीके से आप जो है ऑडियो, वीडियो और इमेज के साइज को कन्वर्ट एंड कंप्रेस करेंगे और उसका क्वालिटी भी लॉस नहीं होगा। तो बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे किस तरीके से अपने ऑडियो, वीडियो और इमेजेस के साइज को कन्वर्ट एंड कंप्रेस करेंगे और उसका क्वालिटी भी लॉस नहीं करेंगे और उसको सेव करके रख भी सकते हैं। तो ये सब देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आप अपने डेस्कटॉप पर जाके आप कोई ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा, उसमें आपको टाइपिंग कर देना है media.io। आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी है, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना है, बस आपको एक ब्राउजर ओपन करना है और उसमें आप टाइपिंग कर दीजिएगा media.io। media.io टाइपिंग करने के बाद आपको कुछ इस तरह से टूल आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑनलाइन टूल्स है, डेस्कटॉप टूल्स है, प्रिंस है, बिग है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ ऑनलाइन टूल्स पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो इससे पहले हम देख रहे हैं कन्वर्ट करने का ऑप्शन है, जो यहाँ से भी आप डायरेक्ट यहाँ से फाइल चूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑनलाइन वीडियो कन्वर्टर है और ऑडियो कन्वर्टर है, तो सेम यहाँ पर ही मैं बताने वाला हूँ। तो इसको क्या करना है, ऑनलाइन टूल्स को ओपन की जगह यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको ढेर सारा टूल्स देखने को मिल जाएगा, जहाँ यहाँ वीडियो है, ऑडियो है, इमेज है और PDF का है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे वीडियो कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे वीडियो कन्वर्ट आपका MP4 में है तो MVI, MKV या बहुत सारा जो होता है, या M2VI, जिस बहुत सारा फाइल फॉर्मेट होता है उसमें आप कन्वर्ट इसको कर सकते हैं। यहाँ आप यहाँ पर वीडियो को कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे आपका 4 MB, 5 MB, 10 MB, 50 MB का वीडियो हो तो उसका रिसाइज 30% तक आप कर सकते हैं। यहाँ से देख रहे हो कि वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो, जैसे कोई वीडियो का बीच का पार्ट को काट के हटाना या बीच का पार्ट को सिलेक्ट करना है, उसको एडिटिंग करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ देख रहे हो कि वीडियो को GIF फाइल में बदल सकते हो, वीडियो को मोड कर सकते हो, वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हो, यहाँ वीडियो का लुक दे सकते हो, वीडियो को मेकर कर सकते हो। ऑडियो पर जाकर यहाँ पर आप वीडियो को ऑडियो कन्वर्टर कर सकते हो, मतलब ऑडियो को आपके जो भी वीडियो MP4 में बनाना है या MP4 को MP3 में बनाना है, तो यहाँ पर आप बहुत ही सिंपल तरीके से आप बना सकते हो। फिर ऑडियो को कंप्रेस कर सकते हो, उसका कम साइज का ऑडियो है तो उसको कम साइज का ऑडियो में कर सकते हो, जैसे आप 15 MB का ऑडियो है तो उसको आप 10 MB, 5 MB में कर सकते हो। यहाँ MP3 कन्वर्टर है, MP3 कन्वर्टर भी कर सकते हो, और ऑडियो कटर भी है, यहाँ ऑडियो को काट भी सकते हो। इमेज पर जाने के बाद यहाँ पर देख रहे हो कि इमेज कन्वर्टर है, इमेज कंप्रेसर है, तो यहाँ आप इमेज को कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे आपका JPG फाइल है तो उसका PNG में कर सकते हो, तो उसी तरह PNG में या JPG में कर सकते हो, और बहुत सारा फॉर्मेट आता है उसमें आप कर सकते हो। यहाँ देख रहे हो कि इमेज कंप्रेशन का है, यहाँ इमेज का कंप्रेस भी कर सकते हो बड़ा साइज का। अगर मान के चलिए कि आप 2 MB का आपका इमेज है तो उसको आप KB में ला सकते हो, 700-800 KB में ला सकते हो, और भी आपका इमेज का कोई क्लियरिटी आपका कम नहीं होने वाला, क्लियरिटी आपका वही रहेगा, कोई क्लियरिटी आपका लॉस नहीं होगा। इस
से सॉफ्टवेयर के और एप्लीकेशन के हेल्प से। तो इसमें आप 30% तक बहुत ही आसानी से ये जो ऑडियो वीडियो को कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए सिंपली मैं पहले आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से वीडियो को कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले आप वीडियो को कन्वर्ट वाले पे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वीडियो कन्वर्टर का ऑप्शन है, तो यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने का तो देख रहे हैं कि यहाँ पर वीडियो का है ऑप्शन, तो यहाँ से आप वीडियो को जैसे MP4 फाइल हुआ, MP4 V5 हुआ, AVI फाइल हुआ, MPEG फाइल, आपको देख रहे हैं कि ढेर सारा फॉर्मेट है जो भी वीडियो के इस पूरे फॉर्मेट में आप वीडियो को कर सकते हैं। ऑडियो में जाके आप ऑडियो में आप जो भी ऑडियो में करना चाहते हैं ऑडियो में भी आप कर सकते हैं। इमेज फाइल को भी आप देख रहे हैं ढेर सारा है, JPG, PNG, BMG, जो भी फाइल में आपको करना है बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, या यहाँ से सर्च करके भी आप कर सकते हैं। चलिए वीडियो को मैं हमको MP4 फाइल में करना है, तो चलिए सिंपली हम कन्वर्ट करेंगे, MP4 फाइल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमको क्या करना है, 2 पर आके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर आपको वीडियो को किस फाइल में कन्वर्ट करना है, ऑडियो में कन्वर्ट करना है ये तो, या वीडियो को MP4 फाइल में करना है, ऑडियो में करना है। तो चलिए मैं सिंपली इसको ऑडियो को 2 ऑडियो में चलाते हैं, इसको MP3 फाइल में हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को हम MP3 फाइल में सेलेक्ट करने हैं, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फाइल को चूज करना पड़ेगा जो भी वीडियो का। चलिए मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ, और मैं ये वाला पिक को आप देख रहे हैं वीडियो में, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से सिंपली मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा ये वीडियो यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है, और यहाँ पर कन्वर्ट का ऑप्शन आ चुका है। मैं जैसे यहाँ कन्वर्ट करूँगा तो ये वीडियो जो है MP3 में कन्वर्ट हो जाएगा। जब देख रहे हैं 3 MB का वीडियो है, चलिए मैं सिंपली इसको यहाँ पर कन्वर्ट पर ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देख रहे हैं कि मेरा यहाँ कन्वर्ट हो रहा है, और देख रहे हैं अपलोडिंग 100% यह कन्वर्ट हो भी चुका है। तो मैं इसको आपको जैसे कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। तो यहाँ देख रहे हैं कि कन्वर्ट हो चुका है MP3 फाइल में। तो इसको क्या करना है, सिंपली आपको डाउनलोड करना है। मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा यहाँ पर आके आपको ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए मैं सिंपली यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद देख रहे हैं कि सिंपली यहाँ पे मेरा ये डाउनलोड हो भी गया है। तो चलिए मैं इसको आपको ओपन करके दिखला देता हूँ। सिंपली आपका करना है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ओके करने के बाद देखिए मेरा यहाँ पे MP3 फाइल में कन्वर्ट होकर आ चुका है। चलिए मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये देख रहे हैं कि मेरा ये ओपन हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि मेरा ये MP3 फाइल में ये ओपन हो चुका है, और ये देख रहे हैं कि मेरा ये MP3 फाइल में कन्वर्ट हो चुका है, और ये MP3 फाइल में चल भी रहा है। मैं आपको यहाँ से प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से मैं इसको प्ले कर देता हूँ, आप यहाँ से इसको MP3 फाइल में आप देख भी सकते हैं। तो आपने देखा किस तरीका से MP4 फाइल को MP3 फाइल में हम कन्वर्ट कर दिए हैं। इसके बाद सिंपली क्या करना है आपको, मैं एक वीडियो को आपको कंप्रेस करके दिखाऊंगा कि इसकी साइज कैसे कम होता है। चलिए मैं इसको वीडियो को मैं चूज कर लेता हूँ। यहाँ सिंपली यहाँ पर वीडियो को चूज कर लिया, चूज करने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको फाइल को चूज कर लेना है जो भी वीडियो को आप कंप्रेस करना चाहते हैं। चलिए मैं यहाँ फाइल को चूज कर लेता हूँ। चलिए मैं इस बार ये फाइल को चूज कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं सिंपली इसको ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि 2.58 MB का ये वीडियो है। आप देख रहे हैं कि यहाँ सोर्स आपको पूछा है, रेजोल्यूशन आपको क्या रखना है, तो आपको कितना साइज का रखना है, जैसे 1080 MP रखना है, 720 रखना है, 30 रखना है। चलिए वीडियो ऑडियो के लिए और यूट्यूब के लिए 720 होता है, मैं ये चूज कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि रिसाइज करने के बाद आपको कितना 2 MB का वीडियो का आप 30% कम करके आप देख रहे हैं कि इतना में ये वीडियो कन्वर्ट होगा। तो आपको यहाँ फॉर्मेट चूज कर लेना है, कौन सा फॉर्मेट आपको रखना है। तो यहाँ ढेर सारा फॉर्मेट जो भी आप रखना चाहते हैं उसमें रख सकते हैं। चलिए या आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं MP4 में ही रख लेता हूँ। और इसके बाद सिंपली आपको क्या कर देना है कि ये रिसाइज होकर आप देख रहे हैं कि 2.58 MB का वीडियो आपको सिर्फ इतना KB में आपका हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर सिंपली कंप्रेस पर ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखिएगा यहाँ पर ये अपलोडिंग का ऑप्शन आ गया है, और यहाँ पर अपलोडिंग ये देखिएगा हो रहा है। तो सिंपली ये कंप्लीट हो जाता है। तो मैं इसको आपको डाउनलोड करके बताऊंगा कि इसका साइज कितना है। तो सिंपली देख लीजिए यहाँ पे कंप्रेस सक्सेसफुली लिखा के आ गया, और यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। चलिए मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए अब ये डाउनलोड हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद देखिएगा यहाँ पर ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, और ये कितना KB का। चलिए मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मेरा ये वीडियो यहाँ पर आ गया है, और मैं इसका आप देख रहे हैं कि ये 2.58 MB का था। तो ये आप देख रहे हैं कि इसका साइज हो कितना कम होगा। आप देख रहे हैं कि साइज 450 KB में हो गया है, और मैं इसको आपको प्ले करके ही दिखा देता हूँ। देख रहे हैं कि प्ले करने के बाद ये वीडियो कितना क्लियरिटी अभी ये सही है जो पहले था, और उसका उसी फॉर्मेट में वीडियो है।
तो इसी तरह आप ऑडियो को भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको ऑडियो करके बताता हूँ कि ऑडियो को आप किस तरीके से वीडियो में कन्वर्ट करेंगे या वीडियो को ऑडियो में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। चलिए मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ कि आप, मैं ऑडियो पे ओके कर देता हूँ, ऑडियो कन्वर्टर पे। इसके बाद आपको क्या करना है कि मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ जिसमें भी हमको कन्वर्ट करना है। तो चलिए मैं इसको MP4 चूज कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको MP3 चूज कर लेता हूँ और मैं सिंपली फाइल को यहाँ से चूज कर लेता हूँ। तो फिर मैं MP4 यहाँ से चूज कर लेता हूँ। तो चलिए मैं इस बारे ये वाले पिक में यहाँ से चूज कर लेता हूँ, ये वाले पिक यहाँ से चूज कर लेता हूँ, सिंपली ओके कर लेता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं सिंपली ये ओके हो रहा है और ये रेडी हो चुका है। इसी बार सिंपली हमको क्या करना है, अगर आपको जो भी फाइल में रखना है तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं या यहाँ से टाइपिंग कर सकते हैं या यहाँ से वीडियो भी ले सकते हैं या ऑडियो ले सकते हैं। सिंपली ये वीडियो है ऑडियो, इसलिए मैं वीडियो ही ले लेता हूँ। MP4 फाइल में यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ से मैं सिंपली कन्वर्ट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरा कन्वर्टिंग स्टार्ट हो चुका है और ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा तो मैं यहाँ से आपको डाउनलोड करके बताऊँगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। चलिए भैया मैं सिंपली इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद आपको देखिए यहाँ डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा सिंपली एक क्लिक में। तब देखिए यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है और ये कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं सिंपली इसको आपको ओके करके दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि सिंपली मेरा यहाँ पर डाउनलोड हो वाला ऑप्शन में हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं डाउनलोड वाला ऑप्शन में हो गया आ गया। मैं उसको प्ले करके आपको दिखला दूँ, देखिए कितनी अच्छा और क्लियरिटी में ये आ गया है। तो आप इस इसी तरीके से ऑडियो को कन्वर्ट कर सकते हैं, वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं ऑडियो कंप्रेस करके दिखाता हूँ। इसमें मैं ऑडियो वाले ओके कर देता हूँ। इस बार सिंपली ऑडियो वाले ओके करने के बाद मैं यहाँ से फाइल चूज़ कर लेता हूँ और फाइल चूज़ करने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पे एक ऑडियो फाइल है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा 157 KB का है। तो मैं सिंपली इसको ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद सिंपली यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देख रहे हैं कि ये आपका इतना परसेंट कम हो चुका है और यहाँ पे फाइल का जो भी साइज रखना है यहाँ पे आप रख सकते हैं और यहाँ से आप इसका फॉर्मेट भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे कंप्रेस को ओके कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मेरा ये कन्वर्ट हो गया आ चुका है फाइल और फाइल का साइज भी कम हो चुका है। तो सिंपली हम यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद देखिए मेरा ये नीचे यहाँ पर डाउनलोड होकर कम्प्लीटली हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको ओके करके आपको दिखला देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पे ये MP3 फाइल कन्वर्ट होकर आ चुका है और इसका साइज़ आप देख रहे हैं कि कितना कम हो चुका है, 69.8 KB में ही है। तो वहाँ पर मेरा कितना था, 147 KB था और यहाँ पर मेरा देख रहे हैं कितना हो गया है, 69.8 KB ही ये कन्वर्ट होके आ चुका है। तो आप बहुत ही आसानी से इस ऑनलाइन यूनिक कन्वर्टर से आप बहुत ही सिंपल और आसान तरीक़ा से वीडियो ऑडियो और इमेज को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इमेज को भी आपको कन्वर्ट करके आप दिखाता हूँ। सिंपली वो क्या करना है, इस पर ओके कर दीजिए। यहाँ से वो क्या करना है, जो आप इमेज को कन्वर्ट कीजिएगा तो यहाँ से फाइल को आप चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद मेरा यहाँ पर देख रहे हैं कि डेस्कटॉप मेरा ये फाइल है, मैं यहाँ से पिक को चूज कर लेता हूँ। सिंपली इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद देखिएगा यहाँ आपको फॉर्मेट देना पड़ेगा कौन सा फॉर्मेट में आप ये इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ JPG फाइल 2DD देख रहे हैं। तो यहाँ से आप जो भी फाइल में करना है, चलिए यहाँ पे मैं PNG में कर लेता हूँ और सिंपली आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आप एक से भी ज़्यादा पिक को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ मोर ऑप्शन रहेगा तो मोर ऑप्शन जाने के बाद भी आप यहाँ पर ढेर सारा जो भी है तो यहाँ से आप पिक को चूज कर सकते हैं। तो सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से, चलिए मैं इस पिक को भी चूज करके यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पे दो फाइल आ चुका है और मैं ये जो है PNG में है और ये जो है आपका JPG और PNG जिसमें आप रहना चाहते हो उसमें रख सकते हैं। चलिए मैं इसको JPG में रहने देता हूँ। इसके बाद सिंपली यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ फाइल भी यहाँ चूज़ कर सकते हैं जो भी रखना है। इसके बाद यहाँ सिंपली यहाँ कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप यहाँ पर एक साथ कई फाइल को यहाँ पर आप पिक को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह कन्वर्टिंग होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है डाउनलोड का, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ दोनों आ चुका है। इस बार सिंपली आपको क्या करना है, दोनों को डाउनलोड कर लीजिए। तो सिंपली आप देखिएगा यहाँ पे ये डाउनलोड होके आ जाएगा। देखिए ये डाउनलोड हो गया। चलिए मैं नीचे वाले को भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और यहाँ देखिए कि ये भी यहाँ पे डाउनलोड होके आ चुका है। चलिए मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ जो डाउनलोड में जाता है। तो चलिए सिंपली इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि मेरा ये दोनों यहाँ पर कन्वर्ट होके आ चुका है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देखिए जो JPG में इसको किया था तो ये JPG में ही है और मैं इसको PNG में किया था। तो आप देखिए यहाँ पे ये PNG फाइल लिख के आ रहा है। तो आप इसी तरह कोई भी पिक को कन्वर्ट कर सकते हैं।
कंप्रेस करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको कंप्रेस वाला फाइल को ओके कर लीजिएगा। ओके करने के बाद आपको पिक को यहाँ से चूज करना पड़ेगा। तो चलिए सिंपली आपको पिक का जो साइज बड़ा है तो उसको यहाँ से आप कंप्रेस करके बहुत ही आसानी से कम कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से ये फाइल को पहले ये फाइल को मैं चूज कर लेता हूँ यहाँ पे, और ये आप देखिए मेरा यहाँ ये पे फाइल आ चुका है। तो यहाँ पे ये इसका जो है 46.12 KB है। इसके बाद मैं एक और वीडियो यहाँ पे सॉरी इमेज ऐड कर लेता हूँ। तो इमेज ऐड करने के लिए चलिए मैं इस बार ये वाले इमेज को ऐड कर लेता हूँ और सिंपली मैं यहाँ से ओके कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये 30% कन्वर्ट होने के बाद ये इतना ओके आ जाएगा। चलिए मैं इसको कंप्रेस पर ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद आप देखिए यहाँ पर प्रोसेसिंग इसका स्टार्ट हो चुका है, और इसको मैं आपको डाउनलोड करके बताऊँगा कि इसका साइज कितना कम हो के आया था। देखिएगा यहाँ पे डाउनलोड होके आ चुका है। चलिए मैं सिंपली इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ से डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर देखिएगा यह भी यहाँ पर डाउनलोड होके आ गया। चलिए मैं सिंपली इसको ओके कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका साइज कितना कम हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पे media.io फाइल से मैंने इसको कन्वर्ट किया, तो आप देख रहे हैं 133 KB का है, और यहाँ पे देख रहे हैं media.io से मैं इसको कन्वर्ट किया तो ये देख रहे हैं 40 KB का है। तो मैं उसका ओरिजिनल फाइल आपको दिखाता हूँ कि कितने का है। तो यहाँ देख रहे हैं मेरा ओरिजिनल फाइल है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये 1.22 MB में है, और यहाँ पर देख रहे हो कि मेरा ये ओरिजिनल फाइल था तो 46 KB में। तो आप देख रहे हो कि कितना ये कन्वर्ट कर चुका है। ये जो ये फाइल जो है इस एप्लीकेशन से आप 30% तक का फाइल को रिसाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि डिफरेंट बिटवीन ऑनलाइन एंड डेस्कटॉप कन्वर्टर है। तो आपको डेस्कटॉप को इसको यूज करिए इंस्टॉल करके सॉफ्टवेयर को, तो बहुत आसानी से और फास्ट आपका ये सॉफ्टवेयर यूज होने वाला था। जैसे यहाँ पर देख रहे हो कि ऑनलाइन कन्वर्टर अगर हम करेंगे तो यहाँ लॉन्ग टर्म आपको वेट करना पड़ेगा, जबकि यहाँ 0 टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, कुछ भी वेट करना नहीं पड़ेगा। यहाँ आपको देख रहे हैं कि 100 MB फाइल को ही रिचार्ज कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर अनलिमिटेड फाइल को यहाँ पर रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ देख लेंगे पॉपुलर फॉर्मेट सपोर्ट का होता है, बल्कि यहाँ पे आपको 1000 फॉर्मेट जो आपको जो भी फॉर्मेट में भी आपको करना है, जैसे MP4 हो, MKV हो गया, या बहुत सारे जो फॉर्मेट है उसमें यहाँ पे आप सपोर्ट कर सकता है। यहाँ देख रहे हैं कि मैक्सिमम 2 फाइल को ही यहाँ 1 कन्वर्टर में कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे अनलिमिटेड फाइल कोई लिमिट नहीं है। यहाँ देख रहे हैं कि स्लो कन्वर्जन स्पीड है, जबकि यहाँ देख रहे हैं 30 गुना फास्ट स्पीड है। तो आप डेस्कटॉप इस पे इसको अगर इंस्टॉल करके यूज करते हैं तो बहुत फास्ट ये अगर आपका ये काम करने वाला है। वीडियो एडिटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, वीडियो एडिटिंग के लिए आपको वीडियो एडिटिंग वाले ओके कीजिए। ओके करने का तो यहाँ पर आपको पहले आपको कोई फाइल यहाँ पे चूज करने पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ से कोई फाइल चूज कर लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ से ये वीडियो को चूज कर लेता हूँ। चूज करने का देखिए यहाँ पे ये लोडिंग हो रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लोडिंग हो चुका है। अगर आपको क्रॉप करना है तो यहाँ से इसको आप यहाँ से जितना वीडियो को आप क्रॉप करके काट के रखना, तो यहाँ से वीडियो को कट करके रख सकते हो। क्रॉप करना है तो वीडियो का आप सिंपली यहाँ से वीडियो को क्रॉप कर सकते हो। जितना बड़ा वीडियो आपको रखना है तो सिंपली यहाँ से वीडियो को यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हो। जितना बड़ा वीडियो आपको रखना है तो यहाँ से वीडियो का आप क्रॉप कर सकते हो। चलिए मैं हमको वीडियो को इतना बड़ा नहीं करना है, तो मैं सिंपली वीडियो को इतना ही बड़ा रहने देता हूँ। यहाँ पे आपको एडजस्ट जाके वीडियो को क्या है स्ट्रक्चर बढ़ा सकते हो। कंट्रास्ट यहाँ से आप वीडियो को बढ़ा घटा सकते हो। देख रहे हैं वीडियो का कंट्रास्ट बहुत बढ़ घट रहा है यहाँ से आप देख रहे हो। इसके बाद ब्राइटनेस यहाँ से आप काला कर सकते हो, मीडियम कर सकते हो, जितना बड़ा आप रख सकते हो इसको रख सकते हो। रोटेट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये रोटेट वाले ऑप्शन ओके कीजिएगा। यहाँ पर आप जो भी फाइल में इसको रोटेट कीजिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं रोटेट ये होना स्टार्ट हो चुका है। ये आपको ये क्लॉकवाइज है, और यहाँ भी आपको ये क्लॉकवाइज है जिसमें आपको रखना है रख सकते हैं। यहाँ कॉन्ट्रेस्ट क्लॉकवाइज है, यहाँ डायरेक्ट क्लॉकवाइज है, तो आप इस तरह से आप रख सकते हैं। चलिए मैं और यहाँ से आपको क्या करना है, अगर फॉर्मेट आपको चूज करना तो जो भी फॉर्मेट में आप रखना चाहते हैं इसको रख सकते हैं, या यहाँ से सर्च भी करके ला सकते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा आपको क्रॉप करके दिखा देता हूँ। तो सिंपली मैं इसको इतना क्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है, इतना मैं क्रॉप कर लेता हूँ, और MP4 फाइल में ही मैं इसको चूज करूँगा। और यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ से आपको स्टार्ट कर देना है। तो अब देखिए यहाँ प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है, और ये क्रॉपिंग होके आपको ये वीडियो दिखाई देगा। ये देखिए प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन है, चलिए यहाँ पर सेव का ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर डाउनलोड हो गया, चलिए मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पे एक क्रॉपिंग होके आ चुका है, मछली इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। सिंपली इस पर क्लिक कीजिए, देखिए ये मैं इसको क्रॉप किया था, तो आप देखिए यहाँ पर जितना मैं क्रॉप किया था तो उतना ही ये वीडियो क्रॉप होके आ चुका है। तो आप बहुत ही आसानी से ये वंडर से ऑनलाइन यूनिक कन्वर्टर से आप ऑडियो वीडियो इमेज
ऑडियो वीडियो इमेज पीडीएफ फाइल का बहुत ही आसानी से आप कन्वर्ट कंप्रेस कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में बहुत ही आसानी से इसको यूज कर सकते हैं और आपका क्वालिटी भी लॉस नहीं होगा, जो मैं आपको अभी लाइव दिखा दिया हूँ कि यहाँ पर आपका कोई क्वालिटी लॉस नहीं हो रहा है। जो आप कन्वर्ट किए हैं, कंप्रेस किए हैं, ऑडियो वीडियो इमेज में आपको सब कुछ में आपको फाइल का साइज कम हुआ है, आपका वीडियो कहीं भी आपको लॉस नहीं नज़र आएगा कि कम हुआ है। सो गाइस, आपने देखा कि किस तरीके से हम ऑडियो वीडियो और इमेज के साइज को कन्वर्ट एंड कंप्रेस करेंगे और इसका क्वालिटी भी लॉस नहीं होता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।